तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरे सामने एक छोटा सा मोटर है जो कि इसके जो जहाँ से पानी घिसता है इसके एम्प्लेयर में कचरा फंस गया है। दोस्तों, इसका नाम एम्प्लेयर रहता है, एम्प्लेयर साइड। तो फ्रेंड्स, इसमें कचरा घुस गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एम्प्लेयर में से कचरा कैसे निकालते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ थोड़ा एम्प्लेयर को सर्विसिंग करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें तीन स्क्रू दिख रहा है, नट दिख रहा है, इसको हम लोग खोल लेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमें इस नट को खोलना। तो यहाँ पे मेरे पास बॉक्स पाना है 8 नंबर का, इसके सहारे से मैं इसके नट नट को खोल दूंगा। तो यहाँ पे पहले नट खोल लेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको इसके तीनों नट खोल लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने तीनों नट खोल लिए हैं, उसके बाद हमें इसको निकालना है। तो इसको निकले कैसे, आपको एक हथौड़ी या कोई चीज लेना है, उसको आपको इसके यहाँ से मारना है इसको। तो यहाँ पे मारेंगे, फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो इसमें से कितना कचरा निकल रहा है, कचरे के जैसा पानी, पूरा मोटर जंग लगा पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको खोल दिए। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो ऐसे आसानी तरीके से इसको खोल सकते हैं। और तो दोस्तों, हमें यहाँ पे सब अच्छे से साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे कचरा इस मोटर में भरा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मोटर तो प्रॉपर चल रहा है, रन कर रहा है, इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक वायर है जो कि इसमें लगाता हूँ। तो यहाँ से मोटर प्रॉपर रन कर रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा ब्रश वगैरह मारेंगे, उसके बाद फिर से फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर पे आसानी तरीके से मोटर की सर्विसिंग कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत ऑयल डाल देते हैं नट के इसमें, ताकि नट नट के इसमें जंग ना लगे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है साफ वगैरह सब करके, उसके बाद हम इसको ऐसे फिटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पानी गिरा तो उसको पहले मैंने साफ कर लिया ताकि मोटर पे पानी ना लगे ज्यादा, और उसके बाद हम इसको फिटिंग कर देंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से लगा दिया, और ये होल बराबर मैच करके मैं थोड़ा थोड़ी से इसको टोकेंगे। उसके बाद हमें नट लगा लेना है ताकि प्रॉपर से होल में बैठ जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने नट लगा लिया, उसके बाद हम इसको करके
यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से नट सारे फिटिंग कर देने ताकि मोटर लीकेज ना करे। तो यहाँ पे हम फिटिंग कर लेते हैं। हमने फिटिंग कर लिया, उसके बाद एक बार और अच्छे से ठोक के फिटिंग नट टाइट करेंगे ताकि अच्छे से नट बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब नट अच्छे से टाइट कर दिए हैं।